आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में एकाएक भारी तेजी आने के कारण भारतीय बाजार में भी सुधार का वातावरण है। इधर इंदौर मार्केट में सोया तेल की सप्लाई फिर टाइट होने और वैवाहिक सीजन वालों की खरीदारी बाजार में बराबर बनी रहने से भाव में पुनः तेजी देखने को मिली है। इंदौर में सोयाबीन तेल 10 रुपये बढ़कर 1600 रुपये से 1615 रुपये प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। एक्सपोर्ट बैन लागू होने से पहले केएलसी में बड़ी तेजी देखने को मिली। जानकारों का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध और इंडोनेशिया के बैन से जो खाद्य तेलों की समस्या गहराई है, उससे कीमतों में उछाल आया है और आगे भी कीमतों में तेजी की ही उम्मीद है। सोयाबीन बुआई का सीजन नज़दीक है, हो सकता है कि बुआई के समय कीमतों में थोड़ी गिरावट आए, लेकिन बुआई कितनी हुई है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बुआई होने और कितनी हुई है, कम या ज़्यादा, फिर उत्पादन कितना है, यह सब तय होने तक और बाजारों में आवक के आने तक काफ़ी समय लगता है। इस दौरान सोयाबीन की कीमतें उछाल मार सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।